हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। मैं राहुल आपका बहुत स्वागत करता हूँ अपने राहुल बहादुरी चैनल में। तो अगर आप नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, iOS 13 का एक नया अपडेट आ गया है। बीच में एक अपडेट आया था, काफ़ी मेजर अपडेट था, 500-600 MB के आसपास था, तो मुझे याद है iOS 13.2। तो उसके अंदर काफ़ी सारे बग्स वगैरह देखने को मिल रहे थे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो एप्पल ने उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया iOS 13.2.2 का अपडेट देकर। तो मैं आपको बताता हूँ इस वाले अपडेट के अंदर एप्पल ने कौन कौन से इसको फिक्स किया है, कौन कौन से बग्स जो मैं देखने को मिल रहे थे वो सारे बग्स एप्पल ने फिक्स किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो अपडेट है 99.9 MB का अपडेट है, तो कोई बड़ा अपडेट नहीं, सिर्फ जो बग्स वगैरह थे उनको फिक्स किया गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस वाले अपडेट का मोबाइल डाटा से या फिर हॉटस्पॉट से अपडेट मत करना, सिर्फ वाईफाई से अपडेट करना। वैसे यही अपडेट नहीं, जितने भी अपडेट आता है उनको आप वाईफाई से अपडेट करो तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ इस वाले अपडेट में एप्पल ने कौन कौन से बग्स वगैरह, कौन कौन से इशू वगैरह सॉल्व किए गए। iOS 13.2 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी वो थी मल्टीटास्किंग ऐप को लेकर। तो जो भी आप मल्टीटास्किंग के टाइम पर एप्लीकेशन कोई बैकग्राउंड में होती है, जैसे आप मान लो व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो और बैकग्राउंड आपका इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। मतलब ये वाले पे मेरे एक बहुत छोटे फोन में आती है, बहुत टुच्चे फोन में मान सकते हैं इस वाले प्रॉब्लम को। मतलब एप्पल का इतना प्रीमियम फोन है उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो यार इस वाली प्रॉब्लम के साथ काफी बेकार एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस करने को मिले। तो एप्पल ने iOS 13.2.2 के अपडेट के साथ इस वाली प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। ये वाली प्रॉब्लम का मतलब ये होता है, जैसे आपका कोई फोन है 10-12 हज़ार के आसपास का कोई फोन होता है, उनके अंदर क्या होता है प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं होता, तो जो उनकी जो बैकग्राउंड में ऐप चल रही होती है वो ऐप ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाती है, तो उन वाले फोन में वाली प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। लेकिन एक एप्पल प्रीमियम फोन के अंदर आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो यार जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफी बेकार हो जाता है इस प्रॉब्लम के साथ में। तो एप्पल ने सर प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इशू के बारे में जो मैं पर्सनली फेस कर रहा था यार। मतलब आप किसी कॉल में बात कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो लॉस हो जाएगा, एक सिग्नल भी नहीं होगा आपके फोन के अंदर। तो यार ये वाली प्रॉब्लम मैंने पर्सनली फेस करी, अगर आपने भी करी हो तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताना मुझे। ये वाली प्रॉब्लम मैं इतनी ज्यादा फेस कर रहा था, मतलब फेस मैंने iOS 12 के अंदर भी करी है, iOS 11 के अंदर भी करी है, iOS 13 में भी करी है, लेकिन जब से iOS 13.2 आता ये वाली प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। मतलब दिन में 3-4 बार में से केस होते होता था, जब भी किसी कॉल वगैरह आई तो ऑटोमेटिक जो सारे सिग्नल थे, 1-2 मिनट मैंने बात करी, 1-2 मिनट बात करने के बाद ऑटोमेटिक सारे सिग्नल गायब हो जाया करते थे। तो एप्पल ने iOS 13.2.2 के साथ इस वाली प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इशू के बारे में, तो वो भी मोबाइल डाटा नेटवर्क को लेकर था। जो मोबाइल डाटा का नेटवर्क, तो आप कोई नई लोकेशन में जा रहा है वहां ऑटोमेटिक आपके मोबाइल के जो नेटवर्क थे वो लॉस हो जाते, तो यही लॉस वाली प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस करने को मिली। तो एप्पल ने इस वाले बग्स को फिक्स कर दिया है। तो नेक्स्ट इशू था ईमेल के अंदर। तो ईमेल में आप 2 अकाउंट वगैरह यूज कर लेते हो तो वो मैसेज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, एक्सचेंज वगैरह में काफी दिक्कत हो रही थी। तो एप्पल ने इस वाले प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया iOS 13.2.2 के साथ में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इशू के बारे में। नेक्स्ट इशू था सफारी के अंदर। तो जो सफारी के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी एप्पल ने उसको फिक्स कर दिया, अब आपको सफारी के अंदर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं लास्ट इशू की। तो लास्ट इशू था चार्जिंग को लेकर। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जो बाहर के ऐसे वगैरह होते ना आपके फोन में प्रॉपर काम नहीं करते, इस वाले प्रॉब्लम को भी एप्पल ने फिक्स कर दिया अपने अपडेट के साथ में। तो बस यही सारे बग्स वगैरह तो जो एप्पल ने iOS 13.2.2 के साथ फिक्स कर दिए। तो इसके अंदर कोई नए फीचर नहीं आया है, कोई मेजर अपडेट नहीं था, ये सिर्फ एक बग्स फिक्स करने के लिए एक अपडेट था। तो अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं है जल्दी से कर लो अपडेट, काफी कमाल का अपडेट है। जो भी सारे बग्स वगैरह सबको एप्पल ने फिक्स कर दिया। आई होप अब ये वाली प्रॉब्लम फिक्स करने को ना मिले, एक कोल्डो वाली और बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश वाली, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम एप्पल ने फिक्स कर दिया। आई होप अभी दोबारा प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिलेगी हमें। तो इस अपडेट में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ये अपडेट थोड़ा बहुत इंप्रूव किया गया, बाकी कोई अपडेट में कोई न्यू फीचर ऐड नहीं किया गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।